सबको नमस्कार। ओमिक्रॉन को लेके सब लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। उसकी समस्या को डिस्कस करने के लिए और उनकी तैयारियों को करने के लिए आज सुबह मैंने सभी विभागों की मीटिंग ली थी तैयारियां करने के लिए। ओमिक्रॉन की मोटे मोटे तौर पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेज़ी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले जैसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फ़ोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग फ़ोन के ऊपर, डॉक्टर्स जो हैं फ़ोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। तो होम आइसोलेशन इसके लिए जो भी एजेंसीज हायर करने की ज़रूरत है उसको 1-2 दिन के अंदर हम सारी एजेंसीज को हायर कर लेंगे, ये आज मैंने आदेश दे दिए हैं। तो होम आइसोलेशन को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। जैसे टीम्स जो जाएंगी घरों में, अभी हमारी सरकार में कैपेसिटी केवल 1000 केसेस पर डे की कैपेसिटी थी, 1100 केसेस पर डे की आज जब मैंने मीटिंग ली। इसको हम 1 लाख केसेस पर डे की कैपेसिटी तक ले जा रहे हैं कि अगर 1 लाख घर भी डेली विजिट करने हुए तो हम उसको कर पाएंगे। मैन पावर की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो सुनने में आ रहा है दूसरे देशों से कि मैन पावर की काफ़ी कमी हो जाती है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सफिशेंट मैन पावर का इंतज़ाम किया जा रहा है। 2 महीने के लिए मेडिसिन का स्टॉक तैयार किया जा रहा है, वो अगले एक कुछ दिन के अंदर खरीद लिया जाएगा। 2 महीने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक रहेगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसका भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पिछली बार ये हुई थी कि केंद्र सरकार हमें अगर ऑक्सीजन अलॉट भी कर रही थी दूसरे राज्यों से, तो उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रक नहीं थे, क्योंकि दिल्ली सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे ट्रक्स की। लेकिन इस बार हम 15 ट्रक्स अगले 3 हफ्ते के अंदर 15 ट्रक्स ऑक्सीजन के हमारे पास टैंकर्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे और इसकी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि शायद दिल्ली में बहुत ज़्यादा, भगवान से प्रार्थना है कि ज़्यादा इसका प्रकोप ना हो, क्योंकि सीरो सर्वे बताता है कि दिल्ली के अंदर सीरो सर्वे 95% से ज़्यादा आया है। इसका मतलब इतने लोगों को कोरोना पहले हो चुका है, उनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, और दूसरा 99% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 70% से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रकोप होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो चिंता करने की बात ज़रूरत नहीं है, हम सब साथ हैं, दिल्ली सरकार आपके साथ है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू।